सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखो ना, दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें से बेसिकली आपका जो फॉर्मूला आपको लगेगा दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ये टू पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट आपका देखो ये एक्स वन वाई वन जेड वन, और दूसरा पॉइंट आपका देखो आपका क्यू, उसके कोऑर्डिनेट आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ देम इज एक्स टू वाई टू जेड टू। अगर ये हैं दो पॉइंट आपका नाम देखो जैसे, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस आपके हो जाएंगे आर, ये आपका देखो जैसे एक्स टू सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू, ये देखो इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन आपका देखो पी क्यू, और जेड टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू, ये फॉर्मूला लगेगा। अब पी क्यू निकालने के लिए आपको फिर वही डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। अब आप देखो अगर आप सॉल्यूशन आप करते हैं देखो आपका नाम देखो दिस दिस द ए बी सी एंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर गिवन इज आपका देखो थ्री फाइव माइनस फोर एंड बी इज गिवन माइनस वन वन सॉरी माइनस वन वन एंड टू एंड द थर्ड वर्टिस इज माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टू। अब आपने क्या अब आप अब इसके लिए किसके लिए निकालेंगे आपका देखो ना दस का ये ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट आपने ये लिख ही दिया आपका देखो तो ना फर्स्ट निकालेंगे आप डायरेक्शन आपका देखो ना दस का ए कोसाइन ऑफ ए बी ये होगा क्लियर हो गया। अब देखो इसका इससे आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आपका देखो अपॉन ये आपका ए बी ये हो जाएगा ठीक है ना, ये कॉमा कर दो ना दिस ना ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन ये भी आपका ए बी हो जाएगा और जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ये भी आपका देखो ए बी हो जाएगा आपका नाम देखो। एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब आपका क्या हुआ देखो यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब आपका क्या हुआ एक्स टू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू ये देखो ये माइनस फोर हो गया सर। अगर आपको मैं बोलूँ कि वाई टू माइनस वाई वन का क्या मतलब है यहाँ पे तो आपका देखो वाई टू फाइव माइनस वन हो गया देखो आपका ना दिस ये वन माइनस आपका ए फाइव ये भी आपका माइनस फोर हो गया, और आपका जेड टू माइनस जेड वन अगर मैं करूँ तो जेड टू का मतलब आपका देखो जैसे टू और टू माइनस माइनस फोर इक्वल आपका देखो सिक्स होगा। तो ये आपका आ गया ना देखो जैसे ये आ गया ऊपर के सारे आपके पास आ गए। अब आप क्या करेंगे इनकी मदद से आपका ना देखो जैसे ए बी ए बी निकालेंगे तो ना देखो ए बी इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा ए जैसे। अब आप इसको ए लिख दो इसको बी लिख दो या सी लिख दो जो आपकी मर्जी हो तो आपका देखो ना जैसे ए माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर और प्लस सिक्स का स्क्वायर तो ना ए बी इससे बड़ा ये आपका क्या हो जाएगा सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन और प्लस 36 तो ना कितना हो गया ना दैट इज द 68 और 68 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता 34 7 तो 2 रूट 7 या गया। आपको निकालना क्या डायरेक्शन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते आपको तो क्या हो जाएगा इक्वल इस वाले फॉर्मूले से माइनस फोर अपॉन ए टू रूट 17 देखिए ना फिर ये माइनस फिर वही फोर अपॉन टू रूट 17 और आपका सिक्स अपॉन ना देखा टू रूट 17 भी तो टू टू सा माइनस टू अपॉन रूट 17 ये भी आपका देखो माइनस टू अपॉन रूट 17 और थ्री सा थ्री अपॉन रूट 17 ये आपका डायरेक्शन ये आ गया सर ठीक है। ये आपने क्या निकाला ये आप देख लीजिए ऐसे आपका ए निकालेंगे आपको क्लियर है तो डायरेक्शन को सही अगर आप अलग अलग निकालेंगे इसको ये अगर इनको अलग अलग निकालेंगे इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज याद रखिए डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग निकाला आपने
बात को कोसाइंस में ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला यही आपका डायरेक्ट आपका। अब ऐसे क्या करेंगे आपने, हमने निकाल दिया ए बी का, अब आप क्या करेंगे दूसरे, उसके बाद ले लेंगे बी सी को ले लेंगे आपका। तो ये देखो ये एक्स टू वाई टू जेड टू था, ये एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री था आपका। तो इससे क्या करेंगे आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकाल देंगे। तो डायरेक्शन रेशियो बी सी का मतलब क्या होगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और ये आपका ना देख सकता वाई थ्री माइनस वाई टू, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जेड थ्री माइनस जेड टू हो जाएगा। ये निकाल देना ऐसे आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे आपका फिर जो निकलेगा उसके बाद रूट में जो भी निकलेगा वो आपका, सपोज जो भी आपका टू रूट सेवनटीन निकलता तो अपन हो जो इसको जैसे एक्स थ्री, एक्स थ्री का मतलब माइनस कितना हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस माइनस का प्लस वन, तो कितना हो गया सर माइनस का फोर। ये कितना है सर वाई थ्री, ये आपका देख सर माइनस फाइव माइनस माइनस का कितना हो गया सर प्लस, तो ये माइनस का सिक्स आ गया, ये माइनस का फोर आ गया। इससे भी आप वही निकाल सकते हैं जैसे बी सी, तो बी सी इसी फिर वही माइनस का फोर का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, तो ये भी आपका बी सी जीवन टू अपॉन टू रूट सेवेंटी नाइन। उसके बाद जैसा डायरेक्शन कोसाइंस आप बी सी आप निकाल देंगे तो ना माइनस फोर अपॉन टू रूट सेवेंटी माइनस सिक्स अपॉन सॉरी माइनस सिक्स अपॉन टू रूट सेवेंटी और माइनस फोर अपॉन टू रूट सेवेंटी। इसमें दो माइनस थे एक प्लस था सर आपका नाम देखो दस, तो ये आपका माइनस टू अपॉन रूट सेवनटीन माइनस थ्री अपॉन रूट सेवनटीन और माइनस टू अपॉन आपका माइनस टू अपॉन रूट सेवनटीन। ऐसे ही आप क्या करेंगे सी ए के लिए निकाल देंगे आपका नाम देखो दस डायरेक्शन रेशियो सी ए के लिए जब आप निकालेंगे सी, तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री है सर। तो ये इसका मतलब ये आपका x1 माइनस x3 हो जाएगा, ये y1 माइनस y3 हो जाएगा और z1 माइनस z3 हो जाएगा। यहीं से आप पता कर सकते हैं आपका देखो दस x1 माइनस x3 ये आपका देखो ना दस, तो ये कितना आ रहा है ये आप देख लीजिएगा। तो ये आ रहा है माइनस माइनस का प्लस एट आपका आ गया, उसके बाद इन दोनों को आप करिए देखो आपका ना, तो माइनस माइनस का फिर प्लस ये आपका टेन आ गया, और उसके बाद इसको इसको करिए आपका ना माइनस फोर माइनस माइनस का प्लस टू आपका ये हो गया माइनस का टू। उसके बाद ये निकाल दीजिए जो आपने निकाले तो आपका फिर सी ए इज इक्वल टू फिर उसमें वही फॉर्मूला लगा दीजिए आपका ना, तो ये आएगा आपका ना 168 अप्रोक्सीमेट आएगा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टू रूट फोर्टी। बस उसके बाद ये आपका ना जैसा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए आपका इक्वल टू एट अपॉन टू रूट फोर्टी आपका फिर टेन अपॉन टू रूट फोर्टी और आपका माइनस टू अपॉन टू रूट फोर्टीन होगा टू फोर जो फोर अपॉन रूट फोर्टीन उसके फाइव जो फाइव अपॉन रूट फोर्टीन इससे ये कलर तो माइनस टू अपॉन रूट फोर्टीन 168 हुआ ना एक मिनट 168 का मतलब हुआ दो दूनी चार ओ ये सर ये 42 होगा 42 नो प्रॉब्लम रूट 42 क्योंकि वो 168 है ना 42 ऐसे आपका डायरेक्शन को साइंस आप निकालेंगे। अगर इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 11.1 का लास्ट क्वेश्चन भी था और फिफ्थ भी था। डू इट।